हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो अभी ये संडे की सुबह का ही वीडियो है, तो ये जा रहे हैं नहा धो के पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने अभी खाना वगैरह बना रही हैं। हैं नहा के आए हो? और यहाँ पे दीदी ने बना लिया है खाना। क्या बनाया है आज? दाल रोटी सब्जी। काहे की सब्जी? आलू गोभी की। ये तुमसे क्या कह रहा था, हैंडसम लग रहे हो? मैं वो बाल कटवा के, बाल नहीं शेविंग करवा के आया था ना। क्या कह रहा था? जो कह रहा, अरे ये क्या करवा लिए पापा, क्या शेविंग का बाल कटवा के आए हो क्या? पहले हैंडसम लग रहे थे। आप नहीं लग रहे? बोला हैंडसम लग रहे थे पहले, खुद ही बोल देता है, चुपता नहीं है। अरे वो बहुत नोटिस करता है, कोई अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ले, कपड़े चेंज कर ले, हर चीज नोटिस करता है वो। सब लोग नहा चुके हैं घर में, मैं ही भूतिन बनी घूम, मतलब मैं ही ऐसे घूम रही हूँ क्योंकि मैं लेट ही रही थी। अब जा रही हूँ, मैं अभी ना आया हूँ क्योंकि खाना वाना बन गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले मैं इसका बैग ढूंढ दूँ, क्योंकि स्कूल वाला बैग तो बड़ा है, मतलब जो बुक्स वगैरह रख के ले जाता था, तो इसको बुक्स वगैरह नहीं ले जाना है, इसको बस टिफिन लंच बॉक्स ले जाना है, और क्या कहते हैं पानी की बॉटल वगैरह ले जाना है, फ्रूट्स और लंच ये सब ले जाएगा। तो एक छोटा बैग रखा था इसका पहले का, तो मैं देखती हूँ अगर मिल जाए तो उसको साफ वगैरह कर ले, क्योंकि कल मंडे है तो सब कुछ ठीक रहा। वैसे तो मुझे कल हॉस्पिटल भी जाना है, लेकिन ये तो जाएगा जाएगा, भले ही मैं हॉस्पिटल जाऊं या ना जाऊं। छोटा बैग मिल गया, ये मिल गया। आ जाएगा, धुल जाएगा, मशीन में डल जाएगा। सही है, बड़ा क्यों निकालूं, टिफिन रखने वाले तो बहुत है ना। तो मैं भी आ गई हूँ नहा धो के, बस मैं भी जाके पूजा कर लेती हूँ। और पूजा तो ये कर चुके हैं, सिर्फ मैं चालीसा ही पढ़ती हूँ, और पूरे टाइम पे मैं शिव चालीसा जरूर पढ़ती रही हूँ, शुरू से ही पढ़ रही हूँ। तो बस यहाँ पर पूजा कर ली है मैंने, और ये देखिए दीदी ने जो लंच बनाया है, सब्जी दाल चावल रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए आके। और इस टाइम पे ये सुबह मुझे काफी दिक्कत हो रही थी, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है तो फिर मैं थोड़ा ठीक लगने लगता है, अचानक बहुत दर्द होने लगा था, बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी। कौन सी मिली? लापता लेडीज। लापता लेडी, लापता लेडीज। पूरा दिन का दिल लगा दिया, पूरा दिन का दिल लगा दिया। अब तुम देख सकते हो लेवाइस वुडलैंड पीटरलैंड। आया लेटे कैसे, सो के उठे हो? तो फ्रेंड्स, एनिवर्सरी वाले दिन की ये खरीदारी है, मतलब दिन की नहीं है, उस दिन ये नहीं गए थे लेने, कह रहे थे मैं बाद में ले आऊंगा, फिर उनको उसके बाद टाइम नहीं मिला क्यों, ऑफिस के चक्कर में, तो उस दिन की खरीदारी इन्होंने आज पूरी कर पाई है। क्या करने हो लगे हो? अरे इसके बिल का वो यार स्कैन कर रहा हूं। हाँ, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये अपने लिए क्या लेके आया, और मैं भी अपने लिए क्या लाई थी वो भी मैंने दिखाया था। तो हम अब एक दूसरे की एनिवर्सरी गिफ्ट दिखा देते हैं। पहले मैं अपना वाला दिखा दूं, क्योंकि मेरे को देखने वाली ज्यादातर महिला है ना, तो उन्हें पहले अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊं, फिर तुम्हारी ये दिखाऊं। जब मैं तो घर वगैरह दिखाई मत। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपने लिए क्या लाई थी एनिवर्सरी गिफ्ट।
देखिए दोस्तों, ये लेके आई हूँ मैं डिजाइन, आप लोगों को शायद दिख गया होगा, ये पायल मैं लेके आई हूँ क्योंकि मुझे इस तरह की डेली यूज के लिए पतली पायल चाहिए थी, तो इन्होंने मुझे ये पायल दिलाई थी। और ये देखिए, तो अभी नई है, मैंने अभी नहीं पहना इनको, बाद में पहनेंगे क्योंकि नई चीज अभी क्यों पहने। और उसी के साथ में ये है बिछिए, ये देखिए, ये देखो ये पायल है और ये बिछिया है घर डेली यूज के हिसाब से। अच्छे हैं, वजन भी अच्छा है, डिजाइन अच्छी है ना? सही लग रही है, ज्यादा पतली है। तूने मुझे सादी पायल दी थी ना, वो पायल मैं अभी तक पहनती रही हूँ, अभी भी रखी होंगी। जिंदगी में दोबारा नहीं लेता है क्या? उसके बाद ये लाई हूँ मैं एक साड़ी, ये देखिए, जब मैं वहाँ पे साड़ी देख रही थी ना, मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी थी जिसमें कुछ साड़ी रेडीमेड थी जो कि पहले से बनी हुई थी, लेकिन मुझे उनके कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उस कपड़े की साड़ी मेरे पास पहले से थी, तो पिन लगाने से वो नहीं जाते, छेद छेद से हो जाते, चिकने स्लैच टाइप के कपड़े आते थे, तो मुझे समझ में नहीं आई थी। फिर ये साड़ी इनके पसंद की है। हाँ, ये मैं इसलिए लेके, मैंने ये इसलिए पसंद किया क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है, मतलब वही लाल हरा नीला पीला पहनने से बढ़िया है कि कुछ डिफरेंट कलर है। हाँ। और डिजाइन भी अच्छा है और बाकी लोग देखने से ऐसा लग रहा है सिंपल सा साड़ी है। हाँ, नहीं इसमें साइन नहीं, देखिए कैमरे में दिख रहा हो या दिख रहा हो, लेकिन इस कपड़े में काफी साइन है, देखिए कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे कलर की मैंने पहनी भी नहीं है। और जैसा ये इसमें ये बॉर्डर है ना, इसमें इसी कलर का ब्लाउज है, थोड़ा फॉर्मल लुक आ रहा है। हाँ, जैसे कि तुमने देखा होगा ऑफिस वगैरह में ना, बड़े बड़े ऑफिसर लेडी होती है, चाहे वो IAS हो, इसी तरह साड़ी पहनती है ना, फॉर्मल। तो मैं तो फॉर्मल हूँ नहीं। अरे तुम हो नहीं, देखो सकते हो कौन से कलर लाए हूँ। और इसके अलावा वो व्हाइट कलर की मैक्सी लाई हूँ, तो दीदी ने उसको फिटिंग भी कर दिया, सिल भी दिया है, तो वो तो मैं ही निकल गई हूँ। उसके और एक नाइट सूट लेके आई थी रेड कलर का, वो एकदम सिंपल सा है तो मैंने दिखाया नहीं, और तो मैं बस यही लाई थी, मेन जो दिखाने वाली थी यही थी, बाकी नाइट सूट और ये मैक्सी मिल जाए बस इतना ही था। और क्या दिला दिया था क्या? दिलाया तो मैं तेरे को हर महीने लेकर जाती है। रेड कलर का नाइट सूट था और व्हाइट कलर की मैक्सी, उस दिन मैं यही लाई थी, दो साल में एक बार लेकर, मेरे दो साल बाद आने को। लेकिन ये मेन यही थे, नाइट सूट पड़ा हुआ है यहाँ रेड कलर का है। चलिए इनका दिखा देते हैं, ये शुरुआत करो, ये हमारे लिए नहीं, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए। अच्छा, वुडलैंड, तुम जो जूते बोल रहे थे, सैंडल लेके आए हो? हाँ, सैंडल लेके आया। अब सुनो, इसमें हील की बात मत करना। ये सैंडल लाए हैं अपने लिए, मुझसे कह रहे थे शूज लाऊंगा, लेकिन हो सकता है वहां जाके मन बदल गया हो, तो फिर ये सैंडल लेके आए, अच्छी लग रही है, ये देखिए। उसके अलावा ये शर्ट है, ये तुम ही दिखाओ। क्या पहन के? अच्छी लग रही है, हालांकि थोड़ा टाइट है, नहीं वैसे चल रहा है, कोई बट है, गोवा वाली जैसी लग रही है, अच्छी लग चलो रही है। चलो मैं पहनने के बजाय ना ऐसी दिखा दे रहा हूँ लगा लगा के। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से किसी को भी मेरे कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो है, वो अपने पतियों के लिए नहीं लेते हैं क्या? हैं? लेते हो क्या? और क्या दिखाओ, पता ही नहीं था, मेरे तो लेती नहीं पहली बार। तो ये देखिए इनका सारे कपड़ों का कलेक्शन, मैंने कहा था ना, ये कह रहे थे मैं खुद लेके आऊँगा, इसीलिए क्योंकि मैं जाती ना तो बहुत टाइम लगता और मैं इतनी देर तो मार्केट में किसी हाल में नहीं रह पाती क्योंकि मैं तो थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो आराम से सिलेक्ट करके लेके आए हैं। और सारे ही कपड़ों का सिलेक्शन इनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि दूर दूर के अलग अलग जगह से लेके आए होंगे, तो ये सारी शर्ट हैं और ये कुछ घर के लिए भी लेके आए हैं, घर पहनने के लिए टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, तो ये सारी चीज़।
तो इनकी जो टी शर्ट्स वगैरह लेके आए थे इतने सुंदर लग रहे थे इनके कलर मुझे, मैंने कहा जब कुछ पहन लेना तो थोड़े दिन बाद मुझे दे देना इसमें से, तो कह रहे नहीं ये मैं ही पहनूंगा, तुम डीली कर दोगी अगर पहनूंगी, क्योंकि ये अपने लिए आराम से 4-5 घंटे में अच्छे से अलग अलग जगह से सिलेक्ट करके लाए हैं, और मुझे जब लेके जाते हैं तो ये एक ही जगह से दिला लाते हैं, और मैं भी इतनी देर रुकती नहीं हूँ तो एक ही जगह से ले के चली आती हूँ, लेकिन ये आराम से तसल्ली से लेके आए हैं। और वीडियो भी आप लोगों के पास ये काफ़ी लेट पहुँच रहा है, क्योंकि संडे को मैंने सूट किया था और आज फ्राइडे को जा पाए, तो बीच में मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से वीडियो फिर मैं आप लोगों को एडिट करके भेज ही नहीं पाई। बाकी सब क्या हुआ था मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी सारा। तो ये जा रहे हैं सारा ही समेट के रखने, जितना ये फैलाया था, कुछ मशीन में डालने के लिए कपड़े भी हैं जो नए थे, तो वो सब भी ये जा रहे हैं अभी डाल देंगे जाके मशीन में। तो यही सारे थे तो मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ, एनिवर्सरी के तो बहुत दिन निकल गए लेकिन गिफ्ट नहीं दिखा पाए। और ये लेके आए थे अचार आम के लिए, देखिए बड़े बड़े, पहले मैं कितना अचार रखा करती थी इन आमों के, लेकिन ये आम कहाँ तो गए थे, लेकिन अचार नहीं रखा पाया, तो मैं तो खाती नहीं थी, तो मैंने थोड़े से ये आम मंगा लिए, घर पे ही रख लेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को याद होगा मैं अचार बहुत बनाती थी, अब छोड़ दिया, अभी तो फिलहाल नहीं बना रही हूँ। तो ये आम, और आम लेके आए लौकी, और मैं देखती हूँ ये लौकी जब लेके आते हैं इनके साथ ऐसा धोखा होता है, देखने में इतनी छोटी, मुझे से भी दूर से दिख रही थी कि बहुत अच्छी हरी लौकी लेके आए ये, और सच में छोटी सी दिख रही थी एकदम नई सी, लेकिन जब मैंने देखा तो वो इतनी टाइट थी दीदी बोली ये तो पकेगी ही नहीं, मैंने कहा ऐसी लौकी लेके आते हैं, मिलती है ऐसी पता नहीं क्यों दे देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।